किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी बांदा के माध्यम से सौंपा। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पर आज किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने दिया डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि एमएसपी निश्चित की जाए और अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए को बर्खास्त किया जाए आदि मांगों को लेकर डीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया और डीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन भेज दिया जाएगा। वहीं किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग यूपी सरकार को अपनी ताकत दिखा देंगे। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, जिला संवाददाता बांदा, एवीपी भारत न्यूज चैनल। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार राउत, राष्ट्रीय सचिव बुंदेलखंड किसान यूनियन। आज किन मांगों को लेकर आप डीएम साहब के पास आए? हमारा जो संयुक्त मोर्चा के उसमें जो है किया, उसके हम लोग जो है आज ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी महोदय तो नहीं मिले हैं, उनके प्रतिनिधि को हमने ज्ञापन सौंप दिया। किन मुद्दों पर आपने ज्ञापन दिया है? एक तो हमारा एमएसपी पे जो कानून तीन इकज कानून वापस होने पर उन्होंने बनाया था वो नहीं हुआ है अभी तक, और दूसरा हमारा टैनी मिश्रा टैनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, यही हमारे दो केवल आज की मुख्य मांगे थे। यदि आपकी मांग पूर्ण नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे? हम आगे जो है आंदोलन करेंगे, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार हटा देंगे।